हेलो फ्रेंड्स, asosomkitchen.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी का रिव्यू लेके आई हूँ, विंगफील्ड का फालूदा मिक्स, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको बनाना कितना ज्यादा इजी है और मार्केट से भी अच्छा फालूदा आप घर में कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक वॉक में, एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है ये 4 कप जितना क्रीम मिल्क मैंने ले लिया है इसमें। तो ये 4 कप है 250 ml के कप से, तो 1 लीटर हो गया है। अब इसमें 200 ml मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने का रीजन ये है ताकि दूध कढ़ने के बाद ये जल ना जाए या फिर इसकी क्वांटिटी ज्यादा थिक ना हो जाए। तो चलिए इसको लेके चलते हैं गैस स्टोव पे, और मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे दूध को बॉइल होने के लिए रख दिया है। जी हाँ, दूध को फुल फ्लेम पे पहले आपको अच्छी तरीके से बॉइल कर लेना है। और यहाँ पे दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, लो फैट मिल्क ले सकते हैं या फिर टोंड मिल्क ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं आपके इस फालूदा के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। दूध देखिए अच्छी तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, तो बस इसको हल्का सा एक बार मैंने चला दिया है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा जो ये कम्प्लीट पैकेट है फालूदा मिक्स का, ये डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में ही आपका ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल फालूदा घर पे ही बनके रेडी हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से ही ये प्रीमिक्स में है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, जैसे कि चीनी नहीं डालनी है, कॉर्न स्टार्च नहीं डालना है या फिर आपको इसमें कुछ फालूदा की सेव नहीं डालनी है। सब कुछ टोटली आपका ये बना बनाया पैकेट है। जस्ट ऐड एंड मिक्स एंड कुक फॉर 10 मिनट और आपका जो ये फालूदा है ना, मार्केट से भी अच्छा बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम पे और इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। और ये देखिए फालूदा में आपको लग रहा होगा कि सेवई जो इसके अंदर है फालूदा वाली, वो अच्छे से पक गई हैं। तो 10 मिनट बाद ही आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, बस इसमें आपको लगातार चलाते रहना है। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कुछ चॉप करे हुए नट्स, साथ ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इमल्शन, ये मैंने फ्लेवर और कलर के लिए लिया है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। बस 2 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी। यहाँ पे आपको फालूदा मिक्स में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं मार्केट में, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो बना सकते हैं। मुझे खास करके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो फालूदा है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो देखिये कुछ इस कंसिस्टेंसी का, ये हमारा गाढ़ी कंसिस्टेंसी का हमारा फालूदा हो गया है रेडी। तो बस आपको इसको इतना ही बनाना है, फिर इसको आपको ठंडा करने के लिए रखना है। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाए तो ही आप इसको फ्रिज में रखिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए, चाहे तो आप इसको इस स्टेज पे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे करूंगी बिल्कुल चिल्ड, ठंडा ठंडा सर्व, क्योंकि फालूदा का मजा ना ठंडा ठंडा खाने में ही आता है। तो देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है और मैं इसे सर्व कर रही हूँ मेरे फेवरेट ट्रेंडिंग ग्लास जार में, जो कि लगता है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और ये सर्विंग के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगा फालूदा के लिए। आपको जिसमें भी इसको सर्व करना है आप सर्व कर सकते हैं या फिर जैसे भी चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हैं। मैंने देखिए कंप्लीट मेरे इस जार को भर लिया है। फिर इसमें मैं थोड़ा सा और डेकोरेशन, चॉप करी हुई चेरीज, चेरीज ना हो तो आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी ये होममेड वनीला आइसक्रीम है जिसे मैंने 2 स्कूप भर के ले लिया है, जो कि इसमें बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मेरी इस होममेड वनीला आइसक्रीम की रेसिपी भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने चॉप करी हुई चेरीज डाल दी है और इसमें डाल दिए है ढेर सारी टूटी फ्रूटीज, और साथ ही इसमें चॉप करे हुए नट्स भी मैं डालूंगी। बिल्कुल मार्केट वाला आपको इसमें यहाँ पे मैं लुक ला रही हूँ, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगेगी आपकी ये फालूदा की रेसिपी आफ्टर सर्विंग। तो इसे आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से सर्व कर सकते हैं। मैं तो इसे आइसक्रीम के साथ ही खाना पसंद करती हूँ क्योंकि सचमुच फालूदा का जो टेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है ना, वो आइसक्रीम के साथ ही जाता है, चाहे आप किसी भी फ्लेवर का फालूदा ट्राई कर रहे हो। आई होप आपको ये फालूदा की रेसिपी देखने में बहुत ही इजी लगी होगी।
श्योर बता रही हूँ फ्रेंड, आपको ये बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा बनाने में भी, खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो इस फालूदा मिक्स की या फिर किसी भी फ्लेवर की फालूदा मिक्स की रेसिपी आप लाइए, बनाइए और इंजॉय कीजिए। और आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिली बनाए रखिए और जुड़े रहिए आशुसोम किचन से। हर हर महादेव, बाय बाय।